जय श्री महाकाल। आज का जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, इसे पूरा सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि ये मंत्र कई सारे भूत प्रेतों को बांधने में काम आता है। अगर आप वीडियो पूरा सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और क्रिया कैसी करनी है ये भी आपको समझ में आएगा। देखिए, अक्सर क्या होता है, किसी को भूत प्रेत पकड़ लेते, कई बार किसी को चुड़ैल पकड़ लेती है, डाकिनी पकड़ लेती है, शाकिनी पकड़ लेती है, बाढ़तीन पकड़ लेती है, सवासिन पकड़ लेती है, तो ये आपको पता नहीं चल पाता कि वो कौन सी आत्मा उसे पकड़ी हुई है। जब आपको समझ में ना आए, अगर आप कंफ्यूज हो कि अगले के शरीर में कौन सी आत्मा पकड़ी, अगर आपको समझ में ना आए, उस समय में आपको इस मंत्र से एक गिलास पानी को अभिमंत्रित करना है, और साथ ही साथ तीन नींबू अभिमंत्रित करना है। वो तीन नींबू उसके शरीर के ऊपर से उतारा करके तीनों नींबू के दो टुकड़े करके आपको पानी में बहा देना है, और जो आपने पानी अभिमंत्रित किया है उस रोगी को पिला देने से जो भी उसके ऊपर भूत प्रेत पकड़ा होगा, लावड़ी होगी, डाकिनी होगी, शाकिनी होगी, वो निकल जाएगा। कई बार कुछ मछुआरे लोग होते हैं, उन्हें नदी का या तालाब का या समुंदर का पान डुब्बिया पकड़ लेता, पान बुढ़िया भी बोलते हैं और पान डुब्बा भी बोलते हैं उसे, तो वो अक्सर गूंगा होता है, बात नहीं कर पाता, क्योंकि जब पानी में आदमी डूबता है तो बात नहीं कर पाता है, इसलिए वो बात नहीं कर पाता है। तो पान बुढ़िया को निकालने का भी उल्लेख इस मंत्र में है, इससे आप पान बुढ़िया को निकाल सकते हो, समझ रहे हैं आप बात को, इससे दैत्य को निकाल सकते हो। दैत्य जो होता है, हर गांव के पास एक शिवार होता है, शिवार को आप बांध सकते हो, शिवार का जो देवता है उसको आप बांध सकते हो, मसान का जो भी खेल है उसको आप बांध सकते हो इस मंत्र से। अगर कहीं पे कोई मदारी खेल दिखा रहा हो नज़रबंदी का, तो आप उसकी विद्या बांध सकते हो, वो नज़रबंदी का खेल दिखा नहीं पाएगा, वो दुकानदारी बंद करके चला जाएगा वहाँ से। तो किसी के नज़रबंदी की अगर विद्या है, वो अगर नज़रबंदी करके लोगों को कुछ दिखाता है, तो आप उसकी विद्या बांध सकते हो और वो उसका खेल नहीं दिखा पाएगा। एक भानामती करके एक विद्या है, बहुत प्रचलित विद्या है भानामती, तो उस भानामती विद्या को भी आप इसी मंत्र से बांध सकते हो। ये वराड़ी भाषा का एक मंत्र है, देहाती मंत्र आप इसको बोल सकते हैं, ये देहाती मंत्र है और स्वयं सिद्ध है ये मंत्र, आपको इसको भी सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से कंठस्थ कर लो और आप अपने उपयोग में ले लो। इसे आप शमशान में भी उपयोग में ले सकते हो, अगर शमशान में आप जा रहे हो, अगर आपके साथ वहाँ कुछ खेल होता है शमशान में, या कोई भूत प्रेत खड़ा हो जाता है, तो आप इससे उसको भी बांध सकते हो। इसमें बेर के ऊपर वास करने वाले आत्माओं को बांध सकते हो, पीपल के ऊपर मुंजा, जो कुंवारा लड़का होता है जिसकी शादी नहीं होती है, बिना शादी के जो मर जाता है उसे मुंजा कहा जाता है, आप उस मुंजा को भी इस मंत्र से बांध सकते हो, मतलब वो आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब जब ऐसा कोई स्थिति हो जाए, जब भी आपको बंदिश करना हो, कुछ नहीं करना है, आपको मट्टी उठाना है, तीन बार मंत्र पढ़ना है और उस तरफ फूंक मार देना है, बस हो गया आपका बंदिश, इतना पावरफुल ये मंत्र है। अगर किसी के शरीर में कोई चीज़ पकड़ी है, तो आपको तीन नींबू उस ये मंत्र तीन बार पढ़ते हुए उतारा करना है, तीन बार पानी में पढ़कर रोगी को पिला देना है, थोड़ा सा उस पानी से मुंह धुलाना है और थोड़ा सा आंख पे अपने शरीर पे उसको छिड़कने लगाना है, बस हो गया। और ये इतना पावरफुल है, भानामती जो होती है विद्या बहुत ही खतरनाक विद्या होती है, भानामती जिसके ऊपर किया जाता है उसके घर में पत्थर गिरने लग जाते हैं, उनके घरों में कपड़े जलने लग जाते हैं, ऐसे बहुत कुछ होता है उनके घरों में। तो भानामती विद्या बड़ी खतरनाक विद्या है, उस टाइम में आप इस मंत्र का उपयोग लीजिए। और याद रखें, नदी के किनारे में अगर आप कोई साधना कर रहे हो तब भी आप इसको चला सकते हो, अगर वहाँ कोई पान बुढ़िया वगैरह होगा
तो वो उसका बंदिश हो जाएगा। लेकिन याद रखें, अगर आप शमशान साधना में बैठ रहे हो शमशान साधना करने के लिए, तब इस मंत्र का प्रयोग ना करें, नहीं तो शमशान की बंदिश हो जाएंगी, तो जो भूत प्रेत है जिसकी आप साधना कर रहे हो वो प्रकट नहीं होगा, तो फिर आपकी साधना असफल हो जाएगी, आपकी मेहनत असफल हो जाएगी। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। आशा करता हूँ कि आप सब कुछ समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे तो आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। और जो लोग मुझसे दीक्षा लेना चाहते हैं वो लोग अपना नंबर कमेंट करें। और याद रखें, मैं एक महीना सिखाने का 5,100 रुपये फीस लेता हूँ। हमारा पेड ग्रुप है, आप पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और सारे मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र हम देते हैं, बंगाली मंत्र ज़्यादातर हम बंगाली मंत्र ही देते हैं, और बाकी मंत्र कभी कभार अपलोड करते हैं, क्योंकि कुछ साधक ऐसे हैं, कुछ दर्शक ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हिंदी मंत्र भी डालिए, तो उनके लिए ये वराडी यानी देहाती भाषा का एक स्वयं सिद्ध हिंदी मंत्र आज मैंने अपलोड किया है। तो जिसे भी सीखना है, एक सच्चा तांत्रिक बनना है खुद के लिए और लोगों के लिए, कुछ जो सच में करना चाहते हो, मंत्र क्या है, सही में मंत्र काम करते नहीं करते, जो लोग देखना चाहते वो हमसे जुड़े, हमारे मार्गदर्शन में सभी साधनाएं करें। हम खतरनाक साधनाओं को अकेले करने की इजाज़त कभी नहीं देते हैं। खतरनाक साधनाएं हम साधकों को हमारे सानिध्य में रख के कराते हैं, ताकि उन पे हमारी नज़र बनी रहे, कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो उसको हम बचा सकते हैं। अगर आपके पहले से गुरु है तो अपने गुरु के सानिध्य में खतरनाक साधनाएं करें, अकेले भी ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जिसे भी जुड़ना है हमसे नीचे कमेंट करें। 5,100 रुपये हम फीस लेते एक महीने की, महीने में 26 दिन हम मंत्र देते, रोज एक मंत्र देते जो कि स्वयं सिद्ध मंत्र है। महीने में 4 दिन सिर्फ रविवार के दिन हम मंत्र नहीं देते हैं, इस बात का ध्यान रखें। महीने में अगर 4-5 जब जितने रविवार आएंगे उतने रविवार आपको मंत्र नहीं मिलेगा, बाकी 26 दिन आपको मंत्र मिलेंगे। तो एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करूँगा। अभी हम जो है एक साधनाओं का अभी सत्र चलाने वाले हैं, मतलब साधना संबंधी अब कुछ वीडियो आएंगे आगे, जिससे कि आप साधनाएं कर सके, ऐसे साधनाओं के बारे में हम आपको बताना चालू करेंगे। क्योंकि बेसिक तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन कुछ साधनाओं के कुछ ऐसे छोटे मोटे जो साधना हैं उसके बारे में हम आपको बताना चालू करने वाले हैं। तो अगर आपको भी कोई साधना में रुचि है तो आप कमेंट करें, हम सोचेंगे, अगर वो देने लायक होगी साधना तो हम आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए, फिर आपसे मुलाकात होगी एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल। खुद का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।